क्लास ऑफ अकाउंट्स आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है, पहले मीनिंग सुनो। जब एक फर्म बंद हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। वो डिसॉल्व हो गई, क्या हो गई, डिसॉल्व। जैसे पानी में आप मेडिसिन डिसॉल्व कर देते हो वैसे ही वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो डिसोल्यूशन मीन्स डिसॉल्व होना, खत्म होना। जब तीन पार्टनर्स या चार पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, अपनी एसेट्स को बेच देंगे, अपनी लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, पे कर देंगे। अगर उस पर कोई प्रॉफिट होएगा तो खुद ले जाएंगे, लॉस होएगा तो भी उनको खुद बियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिसोल्यूशन क्यों होता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिसोल्यूशन होने के, क्यों एक फर्म बंद हो रही है। नंबर वन, फर्स्ट रीजन, फर्म को कभी जिंदगी में प्रॉफिट्स हुए ही नहीं, किसमें जा रही थी, तो उनको उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, पहला रीजन क्या। सेकंड, उन्होंने भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर दी जिसके कारण कोर्ट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका लाइसेंस क्या कर दिया, कैंसिल। तो उनको ये बोल दिया कि तुम अब बिजनेस लाइफ टाइम नहीं कर सकते हो, तब भी उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी फर्म को बंद। तीसरा, दो ही पार्टनर्स से एक की डेथ होगी, अब वो फर्म तो नहीं रही, वो क्या बन जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो फर्म क्या हो जाएगी वहां पे, डिसोल्यूट। देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस, जितने मर्जी बना लो, फर्म डिसोल्यूट क्यों। मैंने आपको मेजर रीजंस बता दिए डिसोल्यूशन क्यों होती है, क्लियर है, लिखो मीनिंग। डिसोल्यूशन मीन्स When the firm does not continue its business due to any reason whatsoever, it will sell all the assets, comma, it will sell all the assets and pay off all the liabilities and close the books of accounts permanently. Three major accounts are prepared. New line में लिखना। Number one, realization account. Number two, partners capital account. Number three, bank account. नंबर थ्री, बैंक या कैश अकाउंट। विलेन स्टैंड अप बेटा, इसमें बैलेंस शीट तो बनी नहीं, ऐसा क्यों, बुक्स क्या हो गई हमारी, परमानेंटली क्लोज, तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने पे कर दिया, बेच दी, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, कुछ भी नहीं। तो एंड में हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट की जगह बैंक अकाउंट, और वो मैच हो जाएगा, जैसे बैलेंस शीट मैच होती है, लिख लो ब्रैकेट में, बैंक अकाउंट विल मैच। पहला टॉपिक क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। बड़ा इजी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, फटाफट से समझ आ जाएगा सबको। बट बिफोर आई डिस्कस रियलाइजेशन अकाउंट और इट्स फॉर्मेट, आपको एक बैलेंस शीट बनानी है कॉपीज में, लिखो फटाफट से, बैलेंस शीट ऑफ एबीसी firm is given as follows. Balance sheet of ABC firm is given as follows. The now relevant liabilities, amount, assets, amount.
लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिखो कैपिटल्स ए बी एंड सी, फिर लिखो जनरल रिजर्व्स, फिर लिखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एसेट साइड पे आ जाओ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, डेटर्स लेस प्रोविजन, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिख लिया। अब अमाउंट्स लिखेंगे फटाफट से, कैपिटल्स लिख लो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, टोटल 6 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, क्रेडिटर्स 1 लाख, बिल्स पेबल 2 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, कैश इन हैंड 1,50,000, कैश एट बैंक 1,50,000, डेटर्स 1 लाख, प्रोविजन 10,000 माइनस बार 90,000, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 1 लाख, बिल्डिंग 6 लाख, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1 लाख। अब लिखो एडजस्टमेंट्स, द फर्म वॉज डिसॉल्व डेटर्स रियलाइज्ड इन फुल रहने दो। देखो डेटर्स रियलाइज्ड एट 80,000 कॉमा, buildings realized at 7,45,000, furniture was sold at a discount of 10%, adjustment number 2, creditors were paid at 10% less, ठीक है, दीज आर द एडजस्टमेंट्स। अब एक अगले पेज पे आओ, उसी पेज पे जहाँ पे अगर बचा हुआ है अगर आपके पेज, तो वहां पे एक फॉर्मेट बना लो फिर आप उससे रियलाइजेशन है कहो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट बहुत सिंपल है बनाना।
बेटर देन रिवैल्यूएशन अकाउंट व्हिच यू हैव स्टडीड एंड एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ. 2 मिनट में बन जाता है. बहुत ही सिंपल तरीका, सुन लो, शॉर्टकट सुन लो पहले इसका. क्या है, लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड पे होती हैं, यहाँ कहाँ फेंक देना, राइट साइड पे, मतलब क्रेडिट साइड पे. जो एसेट्स है वो राइट साइड पे होती हैं, यहाँ कहाँ फेंक देनी है, लेफ्ट यानी कि डेबिट साइड. क्लियर? सारी लाइबिलिटीज नहीं डालनी, सारी एसेट्स नहीं डालनी. क्या डालना है फिर? जो चीजें बिक सकती हैं एसेट्स में से या जिनके पैसे आ सकते हैं वो ट्रांसफर होगी. जो लाइबिलिटीज पे करनी है सिर्फ वही ट्रांसफर होगी. ठीक है, अब आ जाओ अपनी बैलेंस शीट पे. हम उस चीज को सर्कल करेंगे जो चीज इसमें जाएगी. अपनी बैलेंस शीट में सर्कल करना है, पेपर में स्टार बना लेना. ठीक है, चलो जी करें स्टार्ट. पहले देखते हैं एसेट साइड पे. पीयूष, फर्स्ट आइटम क्या है बच्चे? कैश इन हैंड तो नहीं बिकता, तो दिस विल नॉट गो टू रियलाइजेशन अकाउंट. बेच सकते हो आप अपने कैश इन हैंड को, वो तो आपका कैश खुद का है ना, तो उसको हमने नहीं बेचना, उसको ऐसे ही छोड़ दिया. नेक्स्ट आइटम क्या है? कैश एडवांस. ये भी नहीं बिक सकता, ये भी नहीं जाएगा रियलाइजेशन. समरीन. थर्ड आइटम क्या है? डेटर से पैसे ले रहे हैं ना हमने, तो इसको सर्कल कर लो, ये जाएगा. अगली आइटम बताओ बेटा. मशीनरी बिक सकती है, सर्कल इट. फर्नीचर बिक सकता है, सर्कल इट. बिल्डिंग्स बिक सकती हैं, सर्कल इट. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, देयरफॉर ये नहीं जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में. मिलिन, फिर इसका करेंगे क्या बच्चे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का हम क्या करते आए हैं अब तक, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, स्टैंड अप, क्या करते आए हैं हम अब तक इसको? हैं जी, आदित्य जी क्या करेंगे इसका? एज इट इज किसमें? डेबिट साइड. कौन सी साइड? किस अकाउंट की? बेचोगे आप इसको? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल. कौन सी साइड? डेबिट साइड. सिट डाउन, खड़े रहो. ठीक है, समझ आ गया? जो हमने एडमिशन रिटायरमेंट में बेसिक समझे हैं वो यही रहेंगे. जो चीजें हम पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं वो डालेंगे एज इट इज. तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एज डन इन एडमिशन चैप्टर. तन्वी, नेक्स्ट आइटम क्या है? लाइबिलिटी साइड. सबसे पहले कैपिटल्स देखो. जो कैपिटल है वो तो पार्टनर की खुद की है ना, तो वो हम पे उसकी कैपिटल अकाउंट से करेंगे, रियलाइजेशन में उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे. तो डोंट सर्कल कैपिटल अकाउंट. क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट आइटम क्या है? जनरल रिजर्व. बांटेंगे जनरल रिजर्व या पे करेंगे इसको? बांट देंगे. तो जनरल रिजर्व को भी सर्कल नहीं करना, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा. ये भी किसमें चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे. क्लियर है ईशान? नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स को पे करना है, करना है. पुट अ सर्कल ऑन इट. क्रेडिटर्स विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट. बिल्स पेबल को पे करेंगे, इट विल ऑल्सो गो टू रियलाइजेशन अकाउंट. आ रहे हैं नेक्स्ट आइटम पे. इसका मतलब बताओ, खड़े हो जाओ. जो अभी एक्सपेंसेस हमने पे करने हैं तो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे. पुट अ सर्कल ऑन इट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. हो गया सर्कल? तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है? सर्कल या स्टार बनाना है, ताकि हम शुरुआत गलत ना करें. हमें सिर्फ वही चीजें लेके जानी है जो बेच सकते हैं, वही चीजें लेके जानी है जो पे कर सकते हैं. फालतू की चीजों को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे. एनी डाउट्स? चले आओ, चले आगे. अब डालना सीखेंगे. देखो कैसे हमने ट्रांसफर करना है उसको. मैंने आपको सिंपल बता दिया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. पहले देखो लाइबिलिटीज कौन सी साइड पे थी? लेफ्ट साइड पे थी. कहाँ चली जाएंगी? राइट साइड पे. तो सबसे पहला सर्कल किस पे था? क्रेडिटर्स. अमाउंट बोलो जल्दी. अगला सर्कल बिल्स पेएबल. अमाउंट. अगला सर्कल अमाउंट. कोई डाउट? क्लियर? अब एसेट साइड पे ना उल्टा चलाना.
मैंने डेटर्स का एंड में बताना है, इसलिए मैंने उल्टा बोला है, ऐसा जरूरी नहीं है तुम पेपर में उल्टा ही करो। सान्या, लास्ट आइटम क्या बेटा एसेट्स में? बिल्डिंग। कौन सी साइड पे है बिल्डिंग? लेफ्ट साइड पे है राइट साइड? राइट साइड। काम हो जी, टू बिल्डिंग। हाँ जी, नेक्स्ट कितना अमाउंट था? नेक्स्ट टू फर्नीचर, अमाउंट बोलो। 1 लाख। नेक्स्ट मशीनरी, 1 लाख। नेक्स्ट बस, अब ध्यान से सुनना है, इसीलिए मैंने उल्टा करवाया कि डेटर्स का मैं एंड में बताऊं। देखो डेटर्स के दो अमाउंट्स हैं, एक होगा 1 लाख, दूसरा होगा 90,000। ठीक है, अब कैसे ट्रांसफर करना है? डेटर्स को ग्रॉस अमाउंट पे ट्रांसफर करना, मतलब 1 लाख पे, 90,000 पे नहीं। तो मैं डेटर्स को यहां लिखूंगा 1 लाख, पर उसकी बुक वैल्यू तो 90,000 है, मतलब 10,000 की प्रोविजन बनाई हुई है आपने। प्रोविजन को ऑपोजिट साइड लिख दो, किस साइड लिख देंगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना अमाउंट था? 10,000। ठीक है, वैसे भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने तुम्हें यही कराया। ओल्ड प्रोविजन कहां डलवाई थी? क्रेडिट साइड, याद है? न्यू डेबिट, ओल्ड क्रेडिट, इसको कहां डाल देंगे? क्रेडिट साइड पे। और इसको डेटर्स को हमने पूरे अमाउंट पे लेके जाना, तो अल्टीमेट इफेक्ट तो वही बना, 1 लाख में से 10 तो माइनस ही हो रहा है। कितने के डेटर्स गए हैं? 90 के। अब अगर तुम लोग कहते हो कि हम यहाँ 90 दिखा देते हैं, ठीक है दिखा दो, आंसर ठीक आएगा, बट टीचर की नजर अगर बोर्ड में चली गई कि इसने वहां पे 1 लाख नहीं डाला, तो तुम्हारा फालतू का एक नंबर काट सकते, ठीक है? क्योंकि कैसे नजर कैसे जाएगी, तुम्हारी टोटलिंग में चेंज आ जाएगा। तुम जब टोटल करोगे, अगर मैं सिर्फ 90,000 इधर डाल दी, नीचे वाला जो टोटल होता है दोनों साइड जो तुम लिखते हो वो चेंज हो जाएगा। तो बेटर क्या है, ग्रॉस अमाउंट पे डेटर्स को डाल दो और प्रोविजन को दूसरी साइड फेंक दो। क्लियर? पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी। तो अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ लेफ्ट वाली साइड को कहाँ पे फेंकता है? राइट साइड पे। और राइट साइड को कहाँ फेंकता है? लेफ्ट साइड में। और डेटर्स का पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, डेटर्स को ग्रॉस अमाउंट पे डाल के प्रोविजन को दूसरी साइड पे लिखते हैं। क्लियर? ओके निपुल, फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो। बस सिर्फ डेटर्स रियलाइज दैट 80,000, मतलब डेटर्स ने हमें पैसे दे दिए कितने के? अब देखो डेटर्स हमने यहाँ कौन सी साइड पे लिखा है, लेफ्ट और राइट? जब वो पैसे देंगे कौन सी साइड पे आ जाएंगे? राइट साइड पे। बाय बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डेटर्स, कितना अमाउंट? और डेटर्स को यहाँ से छोटा सा अपने लिए टिक मारते हैं कि उनके पैसे हमारे लिए आ गए। ये पेपर में नहीं मारना, समझने के लिए कि कोई आइटम मिस ना करें। ईशान, इसकी अगली आइटम क्या बेटा? डेटर्स के बाद क्या दिख रहा है? सेम, बाय बैंक, बिल्डिंग। कितने की मिली है? 7,45,000। क्लियर? प्रभजोत सिंह, अगली आइटम क्या बेची है हमने? कितने का? 10% डिस्काउंट। कितने का है फर्नीचर? 1 लाख का 10% नहीं मिला, कितना मिला होगा? इजी। तो अभी हमने फर्नीचर पे भी टिक मार दिया और बिल्डिंग पे भी टिक मार दिया। ठीक है जी, पहली एडजस्टमेंट आई थिंक खत्म होगी। अब यहाँ आता है सबसे मेजर रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल। एक एसेट तुम्हें अभी भी दिख रही होगी, क्या इसको एडजस्टमेंट में दिया उन्होंने? तो इसका मतलब है वो अभी नहीं बिकी। जब भी किसी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली हुई, उसको जबरदस्ती मत बेचना। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मशीनरी हमारी फर्म के पास ही पड़ी है, लेकिन वो अभी बिकी नहीं। लेटर ऑन जब बिकेगी तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन में नहीं बेच रहे उसको। तभी मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया अलग कलर से, ताकि तुम्हें रियलाइज हो जाए कि अभी वो नहीं बिकेगी। क्लियर हो गया इतना? सहज स्टैंडअप। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो बच्चे। क्रेडिटर्स वर पेड, क्रेडिटर्स कौन सी साइड पे हैं?
राइट साइड पे कहाँ पहुंचेंगे? टू बैंक, 10% लेस, 1 लाख देना था, 10% पे नहीं पे किया, 90 पे किया तो कितना आ जाएगा? और यहाँ क्रेडिटर्स पे क्या कर दिया? छोटा सा टिक मार्क। सहज आगे बढ़ो बस। अब लाइबिलिटीज के केस में क्या होता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन रहेगी तो भी आप इनको पे करोगे। पार्शियलिटी देखो क्या है, अगर एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या मानना है, अभी नहीं सेल हुई, उसको अभी नहीं बेचेंगे हम, लेकिन लाइबिलिटी तो हमारे हाथ में है, हम पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कोर्ट क्या बोलेगा कि तुम अभी तुम्हारी मशीनरी नहीं बिकी, फिर भी हम क्या कर सकते हैं जी, वो तुम्हारी मशीनरी है, तुम अपना देखो। लेकिन जो तुम्हारे बिल्स पेबल पड़े हैं, बैंक का लोन पड़ा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पड़े हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी देने वाली पड़ी है, पहले वो दो। एसेट बिके ना बिके लेकिन आपने लाइबिलिटीज को पे करना है, चाहे उसकी इंफॉर्मेशन नीचे ना दी। अब क्वेश्चन ये आता है किस अमाउंट पे करेंगे, क्या हमें इस पे कोई डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सिंपली कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा जब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिव। तो हाउ टू सॉल्व दिस, हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो ये टू बैंक जो लिखा था इसकी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, लिख दिया। फिर टू बैंक बिल्स पेबल कितने अमाउंट पे कर देंगे, पूरा 2 लाख, जितने की उसकी बुक वैल्यू थी उतने के उतने क्रेडिटर्स आपने पे करने। समझ आ रहा है? उसके बाद टू बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है, वो भी हमने पे करना है। तो रूल क्या पता लगा कि अगर किसी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो वो नहीं बिकेगी, लेकिन अगर कोई लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन फिर भी वो पे हम करेंगे। किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे, सेम वैल्यू पे जिस वैल्यू पे उसको हमने बुक्स में नोट डाउन किया हुआ। एनी डाउट्स? अभी भी एक लायबिलिटी रह गई, देखो ध्यान से कौन सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। क्या ये पे करेंगे हम किसी को? ये तो हमने खुद बनाई थी भाई, हमें लॉस हो सकता है। और देखो हमारे डेटर्स 1 लाख के थे, उन्होंने पैसे कितने दिए, सिर्फ 80,000, तो ये तो प्रोविजन बनाई थी। मतलब प्रोविजन का सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, वन अफेक्ट, उसको दोबारा पे मत कर देना। जो रिजर्व, जो प्रोविजन आपने खुद के लिए बनाई होती है, अपने लॉसेस के डर के बनाई होती है कि हमें कल को इतने का लॉस हो जाएगा, उसको पेमेंट थोड़ी करनी है किसी को। अगर मैं हर साल 10,000 एक बॉक्स में डाल रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ 10 साल बाद मैंने ये बोर्ड चेंज करना है, लाख रुपए का मेरा बोर्ड आएगा, तो ये मैं किसी को पे थोड़ी कर रहा हूँ, अभी सिर्फ अपने पास रख रहा हूँ ना एक रिजर्व बना के। तो ऐसे ही मैंने प्रोविजन बना के रखी हुई है कि मुझे मे बी लॉस हो जाए, तो इसको हमें कभी भी पे करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी प्रोविजन जो ओल्ड वाली होती है उसका 1 ईयर इफेक्ट कराया था मैंने, चाहे तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लो चाहे तुम रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ लो, दैट ओल्ड प्रोविजन इज थ्रोन ऑन द क्रेडिट साइड, इधर ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट और इधर इन द रियलाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट तैयार हो गया हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर डेबिट साइड छोटी आई तो प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट साइड छोटी आई तो लॉस आ गया। किसको दोगे, पार्टनर्स को। कितने पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स। कौन सी रेशियो जो उनकी गिवन है, इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन तो क्या रेशियो है, इक्वल। गॉट इट? तो द बैलेंसिंग फिगर इधर इट इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, और इधर इट इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। वेरी सिंपल, लेफ्ट टू राइट, अगेन लेफ्ट टू राइट, पहले बैलेंस शीट वाला राइट लेफ्ट में आया, लेफ्ट राइट में आया। जब ये आपने नोट डाउन कर लिया है सारा, फिर इनकी यहां पे आ जाएगी ट्रीटमेंट्स, जो यहां नोट कर लिया है उनकी यहां पे आ जाएगी ट्रीटमेंट्स। मतलब गेम ही खेलनी है, पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर दोबारा लेफ्ट से राइट, फिर राइट से दोबारा। और पहला अकाउंट हमारा क्या हो गया रेडी, जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन? रिवैल्यूएशन में हम सिर्फ जितने से एसेट बढ़ रही है या कम हो रही है वो डालते हैं, यहाँ पे तो हम बेच रहे हैं, बुक वैल्यूज ही डाल रहे हैं उसकी। रिवैल्यूएशन में वही चीजें आती हैं, जो जो चेंजेस हो रहे हैं,
रियलाइजेशन में वो सारी चीजें आती हैं जो बिक सकती हैं या जिनको पे कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे किसी चीज के बारे में, अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज को सेम अमाउंट पे रिकॉर्ड करना और एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना अगर वो नहीं बिकी। क्लियर है? पहले एक नोट लिखो, बाद में इसको कंप्लीट करना। When no information is mentioned about any asset, when no information is mentioned about any asset, it is not sold. It is not sold. When no information is mentioned about any asset, it is not sold. एक नया नोट लिखो और, when no information is given about any liability, when no information is given about any liability, it is paid at same amount. It is paid at same amount. Note number 3. Same amount. ये देख. Bills payable 2 lakh, 2 lakh. Outstanding expense 3 lakh, 3 lakh. जिस चीज की adjustment नहीं होगी liabilities की वो same amount पे pay करनी है. Note number 3. Provision for doubtful debts has one effect. Provision for doubtful debts has only one effect. Provision for doubtful debts has only one effect. Clear है? आज असाइनमेंट आएगी, उसमें 5 questions होंगे, 5 के क्या बना के आने से रियलाइजेशन विद प्रॉपर कैलकुलेशंस, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द टू द पार्टनर्स कैपिटल्स। एनी डाउट्स? करो नोट डाउन, जल्दी से कंप्लीट कर दो।